हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका बानो और मैं लाई हूं आज आपके लिए एक नई रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे। कस्तूरी मेथी की चटपटी बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये लिया है मैदा, ये लगभग आधा किलो है। और इसमें ये मैं एक कटोरी सूजी ऐड करूंगी। इसे मैंने अच्छे से चार मैदा और सूजी उसको मिलाने के बाद हम इसमें ये एक लाल भरी मिर्च है, ये हमारे घर में होता है, ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। इसे हम इसमें मसाले के इसका छिलका हम निकाल के डाल देंगे। ये लगभग मैंने एक बड़े चम्मच कस्तूरी मेथी लिया है, इसको भी हम हाथ से अच्छे से मसल मसल के ताकि इसके रेसे रेसे ना रहें, इसको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये सूखा होता है, बहुत ही आसानी से ये बारीक हो जाता है सिर्फ हाथों से मसलने से। और इसे भी हम इसमें मिक्स करेंगे। और ये मैंने मैन के लिए लिया है ये देसी घी, आप जो भी ऑयल यूज करती हूँ आप वो यूज कर सकती हैं। इसमें इसे मैं इसमें ऐड करूँगी। इन सभी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और लास्ट में सबसे स्पेशल चीज़ जो जिसके बिना खाना अधूरा है, ये नमक। ये लगभग मैं अपने आटे के अनुसार आप लेंगे जितना भी आपने मिक्सर लिया है। और ये लगभग 1.5 चम्मच मैं नमक इसमें डाल रही हूँ और डाल के इसे हम एक सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। ये देखिए, हमारा आटा गूँथ के तैयार हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट आटा है। इसका कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अगर हम इसे मनचाहे शेप में बेल कर छोटे छोटे पीसेस में इसको हम कट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। ये देखिए, हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई गर्म होने के लिए। इसमें मैंने ऑयल डाला हुआ है। और ये देखिए, कस्तूरी मेथी की बिस्किट को मैंने ऐसे गोल गोल छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। आप इसे मनचाहे शेप में भी कट सकती हैं। और अब हम इसे इसमें डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। ऐसे हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसमें मैं अपने ऑयल के अनुसार बिस्किट को डाल रही हूँ। इसे हम डाल के फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये फ्राई हो रहा है और इसे बहुत ही आसानी से तलता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। और अगर ये फूलने का डर हो बीच बीच में, तो हम इसमें मैंने ऐसे ऐसे कांटे से मैंने इसे बीच बीच में छेद कर दिया है। देखिए, घी को अच्छे से गर्म होने के बाद ही हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, हमारी बिस्किट फ्राई हो गई है। ये मैदे का है इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा रेड नहीं करेंगे। और हम इसे गैस को हम लो फ्लेम पे करके और हम इसे बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल लेंगे।